चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ हैलोजन्स। अब पहले ना ये चैप्टर का नाम हुआ करता था हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, तो इट वाज कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ओके, व्हाई? बिकॉज नाउ हमने अल्केन्स पढ़ा था। अल्केन्स क्या होते हैं? दे आर कार्बन कार्बन का स्ट्रेट चेन्स। सो सपोज आई टेक दिस अल्केन, इसका नाम क्या है? करेक्ट, चार कार्बन है, सो इट इज ब्यूटेन। ठीक है, नाउ जब हम लोग इस ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन जो है उसको निकाल दे, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो जब एक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास एक बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है इस कार्बन के पास, करेक्ट। नाउ इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम क्या था? ब्यूटेन था। देखो एन को हमने रिप्लेस करके डाल दिया आइल। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी अल्केन जब रहता है ना, उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं हम उसका नाम रखते हैं अल्काइल, और जनरली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस लेटर आर। ओके, सो अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो, इट विल बिकम अल्काइल, एंड अल्काइल को हम लिखते हैं एज आर। जैसे ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो वो क्या हो गया? ब्यूटाइल। अब देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है, तो अगर इसने किसी हैलोजन से बॉन्ड फॉर्म कर दिया, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में यू विल ऑलवेज हियर आई विल से HDA, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, नाउ हैलोजन्स अपने कौन कौन से हो सकते हैं? डू यू नो व्हाट आर द पॉसिबल हैलोजन्स? दिस क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, ये सारे अपने हैलोजन्स हैं। हैलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस लेटर एक्स। सो एक्स कैन बी ईदर फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वी डू नॉट स्टडी एस्टेटाइन। व्हाई? बिकॉज एस्टरस्टाइन इज रेडियो एक्टिव, एंड अगर वो रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियसली उसके हम केमिकल रिएक्शन वगैरह नॉर्मली लैब में नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर एस्टरटाइन, ओनली फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन। ये ऑर्डर याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि फ्लोरिन के बाद क्लोरिन आता है, फिर ब्रोमिन आता है, फिर आयोडीन। ठीक है, सो नाउ अभी से तुम याद रखोगे, जब भी मैं ये वर्ड बोलू अल्काइल हलाइड, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए अल्काइल मतलब R और हैलाइड मतलब X। ये चीज बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि अल्काइल हैलाइड मींस R X। ओके, एंड दिस X कैन बी एनीथिंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस R कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मीथ, मतलब ये अल्काइल तो इसको बोलते हैं मिथाइल, देन ये हो गया इथाइल दो कार्बन वाला, फिर प्रोपाइल आएगा CH2, CH2, CH3, ये प्रोपाइल हो गया, फिर ऐसे ही ब्यूटाइल आएगा, पेंटाइल आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक स्केच और बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज अ हैलोजन डेरिवेटिव और व्हाट इज एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज हाउ टू क्लासिफाई योर अल्काइल हैलाइड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन स्केलेटन हम अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटन, स्केलेटन मतलब जो ये कार्बन कार्बन का चेन है उसके ऊपर। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हैलो अल्केन्स। व्हाट आर हैलो अल्केन्स? ये देखो अल्केन ना सिंगल बॉन्ड है सारे, तो व्हेनेवर ऐसे सिंगल बॉन्ड एंड अल्काइल हैलाइड है, इट्स कॉल्ड हैलो अल्केन। हैलो अल्कीन क्या होगा? डबल बॉन्ड वाला होगा। हैलो अल्काइन क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। एंड हैलो अरीन क्या है? हैलो अरीन जब भी वर्ड आता है दैट मींस अ रिंग, सो अरीन मींस अ रिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्केलेटन। तो कौन कौन से स्केलेटन है? एक तो सारा सिंगल बॉन्ड वाला स्केलेटन, एक अगर उसमें डबल बॉन्ड रहा वो स्केलेटन, ट्रिपल बॉन्ड रहा वो स्केलेटन, या फिर कोई रिंग रहा तो वो स्केलेटन। ठीक है, तो ऐसे बेस्ड ऑन द स्केलेटन यू कैन क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन।
दूसरा तरीका क्लासिफिकेशन का है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कितने हैलोजन एटम है उसके ऊपर। जैसे अगर मेरे पास सिर्फ एक हैलोजन एटम है, लाइक दिस ओनली वन वन हैलोजन, तो इट इज कॉल्ड एज मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। अगर दो हैलोजन अटैच्ड है, एक कंपाउंड में दो हैलोजन प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज डायहैलोजन कंपाउंड्स। जैसे ये डायहैलोजन कंपाउंड है, ये भी तो डायहैलोजन कंपाउंड है, तो वो एक कार्बन पे भी हो सकता है, अलग अलग कार्बन पे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इट हैज टू हैव टू हैलोजन, जैसे यहाँ पे है। देन होते हैं ट्राईहैलोजन कंपाउंड, जहां पे वी हैव थ्री हैलोजन अटैच्ड। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू टेल मी ये कौन सा टाइप है, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज दिस, मोनो डाई और ट्राई? कम ऑन, फर्स्ट वन मोनो है, सेकेंड वन ट्राई। करेक्ट, सो फर्स्ट वन इज मोनो बिकॉज देयर इज ओनली वन हैलोजन, सेकेंड वन कितना है? ट्राई। यस, ट्राई। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? डाई। वेरी गुड। इफ आई राइट दिस, टेल मी बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन ये कौन सा टाइप का ये है? What type is this? Haloalkane, haloalkene, haloalkyne. Haloalkene. Yes. Because the double. ठीक है, तुम सुन रहे हो. Very good. Next one is, आगे हमको देखना है, अभी इस पूरे चैप्टर में मेजरली हम फोकस करने वाले मोनो हैलोजन कंपाउंड्स पे, मीनिंग इनके पास एक ही हैलोजन होगा वैसे कंपाउंड्स पे। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को आगे हम इन सारे टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। So there are six different compounds in this: alkyl halides or haloalkanes, allyl halides or allylic halides, benzylic halides, vinylic, haloalkynes, aryl halides or haloaryl. एक एक करके सारा देखना है। तो फर्स्ट वन इज haloalkane, सबसे इजीएस्ट। haloalkane क्या होने वाला है? स्ट्रेट चेन कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड सारे, और एक हैलोजन होगा, वो है हमारे हैलोअल्किन्स या फिर हैलो और आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अब हैलोअल्किन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एज वी कैन सी सिंगल बॉन्ड्स, और ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से किया है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ हैलोअल्किन, ठीक है। नाउ इन हैलोअल्किन्स को आगे हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एज प्राइमरी और वन डिग्री प्राइमरी हैलोअल्किन, दूसरा टाइप है टू डिग्री और सेकेंडरी हैलोअल्किन, और तीसरा है थ्री डिग्री और टर्शरी हैलोअल्किन, टर्शरी। अब इसको किस बेसिस पे देखना है? देखो, एक सबसे इजी ट्रिक मैं तुम्हें बताऊं, ध्यान से सुनना। क्या करना है ना, जिस हैलोजन को, मतलब जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है ना, उसको तुम्हें बॉक्स करना है। क्या बोला मैंने? जिस हैलोजन को कार्बन अटैच है उसको बॉक्स करना। जैसे इस कंडीशन में ये हैलोजन इस कार्बन को अटैच है तो हम उसको बॉक्स करें, यहाँ पे ये हैलोजन है ये इस कार्बन को अटैच है तो हम उसको बॉक्स करें, इस केस में हैलोजन इस कार्बन को अटैच है तो हम इसको बॉक्स करें, ठीक है। नाउ बॉक्स को छोड़ के उसके बाजू में देखें, क्या देखेंगे कि जो बॉक्स किया हुआ कार्बन है वो कितने और कार्बन से अटैच है। क्या बोला? जो बॉक्स किया कार्बन है वो कितने और कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है ना, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी हैलाइड या वन डिग्री। सेकेंड वाले में देखो, बॉक्स को छोड़ के ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, ये एक और ये। तुम बोलोगे मैम ये तो कार्बन में आर है, बट हमने अभी डिस्कस किया ना, आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या कुछ, ठीक है। तो ये अब एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है इधर, और ये दूसरे कार्बन से डायरेक्टली अटैच, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी हैलाइड होगा।
एंड फाइनली ये वाले देखो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, तीन और कार्बन से अटैच्ड है, तो इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ओके, नाउ इवन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे सम सॉल्व करने वाले तब समझ आ जाएगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. तो यहाँ पे अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है और 3 डिग्री कौन है. सो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, फर्स्ट स्टेप जहां पे भी हेलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन को उसको बॉक्स करेंगे. अब देखो फर्स्ट कंडीशन में हेलोजन किस कार्बन को अटैच्ड है, इस कार्बन को, तो इसको मैं बॉक्स करूंगा. यहाँ पे हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन तो इसको बॉक्स करो, यहाँ पे इसको अटैच है तो इसको बॉक्स करेंगे, और यहाँ पे ये लास्ट. ठीक है, अभी देखते हैं. अब ये जो बॉक्स के अंदर का कार्बन है ये कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली ये कार्बन डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है ना, ये कार्बन आगे और 3 कार्बन से अटैच्ड है वो तो नहीं काउंट करना है. डायरेक्टली ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक, तो ये क्या डिग्री है, ये 1 डिग्री है. अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन ये डायरेक्टली कितने को अटैच्ड है, देखो 3 3 यस 1 2 3 सो दिस इज 3 डिग्री. लुक एट द सी ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 दिस एंड 2 तो ये हो गया 2 डिग्री. अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 सिर्फ 1 तो दिस इज 1 डिग्री. तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. I'll give you a few questions. You try to identify. चलेगा? Yes. Yes, ma'am. Okay, मैं question लिख लेती हूँ. So CH3, CH, Br, CH3. Second is CH3, CH2, CH2, I. Third is CH3, CH3, H. Cl. ये 4 है सारे करने. तो फोर्थ वन आई एम ड्रॉइंग. हाँ, चलो क्विकली सॉल्व इट. पहला सब लोग उस बॉक्स करेंगे. लेट अस सी कैसे एक कार्बन इस ब्रोमीन को अटैच है तो इसको बॉक्स करेंगे. अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, 2, तो ये डेफिनेटली 2 डिग्री. सेकेंड का 1 डिग्री है करेक्ट, एक ही से अटैच है तो 1 डिग्री. थर्ड का 3 डिग्री है मैम. हाँ, क्या कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है बेटा? हाँ, जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा क्योंकि ऐसे लिखते तो कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए देखना ध्यान से कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है. अब ये वाला ट्रिकी है, बताओ. वेरी गुड, तो समझ गए सारे. ये यही वाला अगर मुझे 3 डिग्री बनाना होगा तो मैं कैसे करूँ उसको, बस क्या करूंगी डायरेक्टली इधर ही Br अटैच कर दूंगी यहाँ पे. तो देखो अब ये हो गया 3 डिग्री ना, क्योंकि ये कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है वैसा. समझे? नाउ नेक्स्ट, हमने अभी देखा जो था वो अल्काइल हैलाइड था.
नेक्स्ट वन हियर इज एलीलिक हैलाइड्स. सो एलीलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, लेट्स सी. तो कार्बन जिस हैलोजन को अटैच्ड है ना, क्या बोला, कार्बन जिस हैलोजन को अटैच्ड है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो डबली बॉन्डेड है. कार्बन जिस हैलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो डबली बॉन्डेड है. दिस इज कॉल्ड एज एलीलिक हैलाइड्स. लुक, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है. अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, डेफिनेटली ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा क्योंकि ये हैलोजन से तो सिंगल बॉन्ड है, इधर सारा तो सिंगल बॉन्ड ही है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ एलीलिक हैलाइड. एक और एलीलिक हैलाइड का इधर एग्जांपल दिया है, ये हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच्ड है. तो ये भी क्या हुआ, एलीलिक. इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, इन एलीलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन next to a carbon-carbon double bond. Have you understood, allylic? Yes. Okay. Next one is called as benzylic halides. Ab benzylic halides kya hote hain? In benzylic halides, halogen atom, aise atom ko bonded hai, jo sp3 hybridized hai, which is further bonded to a ring. Matlab, ये हमारा हैलोजन एटम है, ये ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो आगे जाके एक रिंग को अटैच्ड है ऐसे. तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो. सो दिस हैलोजन इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्योंकि ये तो सारा सिंगल बॉन्डेड है, और ये जो कार्बन है ये इन टर्न एक अरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है. यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, ये एक और एग्जांपल है. देखो, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो आगे जाके एक रिंग से अटैच्ड है. दिस इज कॉल्ड एज बेंजीलिक हैलाइड्स. नेक्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड्स. अब विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, इनमें हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है जो खुद डबल बॉन्ड में है. क्या बोला, हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो खुद ही क्या है, डबल बॉन्डेड है. तो अब मुझे जरा बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए फिर, sp2. वेरी गुड, इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, तो इसका अगर तुम हाइड्रोजन फिल करोगे तो यही मॉलिक्यूल मिलेगा ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल हैलाइड. वापस एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो क्या है, डबली बॉन्डेड है, खुद ही ये डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया विनाइल. अच्छा, फिर मुझे जरा बताओ विनाइलिक और एलीलिक में क्या फर्क है फिर, एलीलिक में भी तो डबल बॉन्ड था ना, लेकिन वो डबल बॉन्ड मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड. हाँ, ये ऐसा था. करेक्ट, ये एलीलिक है जहाँ पे हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जिसका बाजू वाला डबल बॉन्ड में था. यहाँ पे क्या है, हैलोजन उसी कार्बन से अटैच्ड है जो डबल बॉन्डेड. ठीक है, तो ये है विनाइलिक हैलाइड. नेक्स्ट वन हैलो अल्काइन, तुम्हें सबसे इजी है याद रखने के लिए. हैलो अल्काइन क्या होता है, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो एक्चुअली एक ट्रिपल बॉन्ड में है, दैट इज हैलो अल्काइन. तो यहाँ पे कार्बन क्या है, हाइब्रिडाइज रहेगा sp ना, क्योंकि इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड, ये हैलो अल्काइन. एंड लास्ट इज हैलो अरीन और अराइल हैलाइड्स. तो इसमें क्या है, हैलोजन डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो हैलोजन है वो डायरेक्टली ना इस रिंग को अटैच्ड है, इस बेंजीन रिंग को अटैच्ड है. सिमिलरली ये वाला भी हैलोजन डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है. सो ये कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है जो एक्चुअली एक रिंग का मेंबर है. बट ये वाला फिर बेंजीलिक हैलाइड से कैसा डिफरेंट है बेटा, बेंजीलिक हैलाइड से? बेंजीलिक हैलाइड में कार्बन साइक्लिक से अटैच्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट हैलोजन साइक्लिक से अटैच्ड. यस यस, तो ये वाला है बेंजीलिक, जहाँ पे हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो दूसरे रिंग से अटैच हुआ,
यहाँ पे हेलोजन ही डायरेक्टली रिंग में है, ठीक है, दिस इज एराइल हैलाइड। नाउ तुम्हारे लिए क्वेश्चंस, सो यू हैव टू क्लासिफाई देम एज अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलिलिक, विनाइलिक, हैलोअल्किन। और हो सके तो इसके 1 डिग्री 2 डिग्री भी बता सकते हो, इनका किसका बता पाओगे, इसका इसका 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री और इसका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है, बताओ। इसका 2 डिग्री करेक्ट, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से अटैच से दो दो और से अटैच है, और ये वाला 1 डिग्री, वेरी गुड, 1 डिग्री। अब ये क्या है, इसमें एक ही हैलोजन है और सारा सिंगल बॉन्डेड है, तो ये डेफिनेटली क्या है, हैलो एल्केन है कि नहीं, या फिर इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। दूसरा वाला भी क्या रहेगा फिर, अल्काइल हैलाइड ही है। थर्ड वाला देखो जरा, हैलोजन, हाँ हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज अ एलिलिक हैलाइड, एलिलिक। नेक्स्ट इधर देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या रहेगा, हैलो अल्काइन रहेगा ना, हैलो अल्काइन। और थोड़े क्वेश्चंस ये तुम कर पाओगे, मैच द फॉलोइंग, वन सेकेंड ना, ये क्या होगा, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सिंगल बॉन्डेड है, विनाइल, अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, अराइल, सारा सिंगल बॉन्डेड था तो उसका क्या आंसर था, अल्काइल हैलाइड था ना, अल्काइल हैलाइड, हाँ तो 1 का 2 है। यहाँ पे क्या है देखो, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड में है, तो वो क्या होता है, विनाइल, वेरी गुड, इट इज विनाइल हैलाइड। एंड फाइनली, अच्छा ये विनाइल नहीं है और ऊपर वाला अलाइल है क्योंकि इसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड में है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज एलिलिक, समझे मैम। एराइल क्या होगा, जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली एक हैलोजन अटैच्ड है तो ये होगा तुम्हारा एराइल, ठीक है। फिर बेंजाइल क्या होगा, बेंजाइल जब हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, जब हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो एक रिंग से अटैच्ड है ना, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल, समझे। ओके, सो दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशन। अब बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अहेड, ये तुम्हें पता होना ही चाहिए, फर्स्ट क्या पता होना चाहिए कि कार्बन के चार हाथ है, मतलब कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स, ठीक है, तो कार्बन के चार हाथ है एंड चार ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो तुम मैजिकली कभी 3 या 5 बॉन्ड मत बनाओ। देन जब भी ये वर्ड आता है एन, उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन आता है मतलब डबल बॉन्ड, आइन आता है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एंड ऑल आता है तो OH ग्रुप, समझे। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कोहल। नाउ अदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 तो ईथ 3 तो प्रोप 4 तो ब्यूट 5 तो पेंट 6 तो हेक्स, इतना तो भी याद रखना है, 10 तक नहीं याद रहे तो भी ये सारे एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए। एंड फाइनली वॉट यू नीड टू नो इज दिस, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन,
तो फ्लोरीन को हम बोलते हैं फ्लोरो, आयुपैक लिखते टाइम फ्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, इनके पेट नेम्स है ये सारे, ठीक। नाउ वी कैन सी द प्रेपरेशन। प्रेपरेशन मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है RX है, उसको मैं बनाऊ तो बनाऊ कैसे लैब में, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स है, तो हमें सारे मेथड्स देखने। तो मेजरली चार मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है अल्कोहल से बनाना। अल्कोहल मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होता है, देखो OH ग्रुप होता है, OH। तो ये OH ग्रुप को हमको कन्वर्ट करके हैलाइड बनाना है, RX बनाना है, तो OH को X बनाना है, तो ये प्रिपरेशन के लिए एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है फ्रॉम अल्कीन्स, मतलब C डबल बॉन्ड C को हमको अभी RX बनाना है, हैलोजन एक्सचेंज। नाम है देखो, एक्सचेंज ऑफर है, एक हैलोजन लो दूसरा हैलोजन दे दो, वैसा वाला, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम अल्कोहल्स, एंड अल्कोहल्स में भी देखो आगे मेथड्स है, यूजिंग हैलोजन एसिड्स HX, यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड दैट इज PCl3 एंड PCl5, एंड यूजिंग थायोनील क्लोराइड दैट इज SOCl। चलो नाउ लेट्स सी, पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग हाइड्रोजन एसिड्स। नाउ हाइड्रोजन एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, ये जो कंपाउंड होता है ना इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एसिड्स। तो जरा मुझे सोच के बताओ कौन कौन से हाइड्रोजन एसिड्स हो सकते हैं, ए हैलोजन क्या क्या होते हैं, वेरी गुड, HF, HCl, HBr और HI। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा फेवरेट HCl, फिर है एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो देखो जनरली हम कैसे लिखेंगे, अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, ROH, इसको जब हम कोई भी हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते HX, तो क्या होगा, देखो पानी निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, पानी निकल गया, पानी निकला तो ये बॉक्स का पार्ट निकला H2O, ये निकला तो देखो क्या बचा हुआ है, यहाँ पे R है और X है ना, तो इनको जोड़ दो, ये क्या बन गया, RX बन गया ना। सो दिस इज आर अल्काइल हैलाइड, यही तो बनाना था तुमको, तो ऐसे हम बना सकते हैं, बट ये रिएक्शन देखो डायरेक्टली नहीं होता, हमें सूटेबल कंडीशन लगता है। सूटेबल कंडीशन में क्या आता है, टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, प्रेशर बराबर होना चाहिए, या कभी कभी कुछ रिएक्शंस के लिए क्या लगते हैं, कैटलिस्ट भी लगते हैं, तो वैसे सूटेबल कंडीशन होने पे ये रिएक्शन जो है वो होगा। ओके, नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल क्यों, क्योंकि इसमें हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना रे, कि ये कौन सा कार्बन है या कौन सा HF है, HBr है, क्या है, नहीं बताया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं जनरल रिएक्शंस। नाउ पहला है HCl यूज करके हमें अल्काइल हैलाइड बनाना, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। कोई भी अल्कोहल ले लो, सपोज एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा है, देखो CH3OH, किसी को नाम पता है इसका क्या है, एक कार्बन का एल्केन को क्या बोलते हैं अपन, वो तो पता है ना, बोलो एक कार्बन, वेरी गुड, मीथेन, मीथेन अल्कोहल, हाँ, या तो इसको नाम दे सकते हैं हम मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि हमने इसका एक हाइड्रोजन निकाल के अल्कोहल डाल दिया, इसलिए इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल इज, मिथेनॉल इज द IUPAC नेम, ठीक है। तो अल्कोहल जब भी रहता है ना तो इधर बाजू में OL आता है, ऑल आता है, ठीक है। तो मीथेनॉल को ट्रीट करो विद एसिड, क्या लेते हैं, चलो HCl ले लेते हैं। HCl लिए तो देखो क्या होगा, इधर से पानी निकलेगा कि नहीं, पानी निकला तो क्या बनेगा, फिर ये CH3 है और ये Cl है, ये आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल क्लोराइड, ओके।
नाउ ये रिएक्शन जो है सिर्फ HCl डालने पे नहीं होता. व्हाट आई रिक्वायर इज अ रिएजेंट, अ कैटलिस्ट कॉल्ड एज एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी नहीं है, बिना पानी का. दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस ZnCl2. और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रूव्स प्रोसेस. नाउ इन दोनों को मिलके क्या बोला जाता है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट. बेसिकली लुकास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिएजेंट बनाया था, जो मिक्सचर है ना HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का, ये तो इसीलिए इसके पीछे इनका नाम दिया है, इन इस रिएजेंट को इनका नाम दिया है कॉल्ड लुकास रिएजेंट. ओके सो ये हुआ. तुम्हें ऊपर की रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो क्विकली लिख दो. नीचे जो है वो जनरल रिएक्शन है, ऊपर जो दिया हुआ है वो एक एग्जांपल है. Should I go to the next? Yes, ma'am. Next one is using HBr. तो HBr use करके अपन कैसे कर सकते हैं? तो alcohol use करो. Alcohol क्या है? ROH and इसको treat करो with HBr. क्या होएगा? देखो normal वही अपना पानी निकलेगा. क्या मिलेगा? RBr plus H2O. तो यही यहाँ पे दिया है. नीचे भी हम यही चीज जो है बॉक्स बना के लिख सकते हैं. यहाँ पे OH और यहाँ पे H निकल जाएगा, क्या बनेगा? R. ये R जो है वो और ये BR जो है वो दोनों अटैच होके RBr हमें मिल जाएगा यहाँ. ठीक है. बट HCl जो है, तुमने अपने लैब में देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में कम से कम, कि HCl जो है वो लैब में हम बॉटल में बना के रख देते, बराबर वो ऐसे ही रखा जाता है, फिर जब तुम्हें चाहिए तुम उसको यूज करते हो. बट तो HBr है ना, उसको हम लोग बॉटल में बना के नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि ये जो है ये डिकम्पोज हो जाते हैं, अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम इसको नहीं डाल सकते वैसे. तो देन क्या करूं? तो देन इसको जब चाहिए ना तभी बनाते हैं. जैसे अब कुछ सामान ऐसे है जो तुम्हारे घर में मम्मी क्या करती होंगी, कुछ चीजें ऑलरेडी पहले से ही बना के रख देते हैं फ्रिज में. जैसे किसी के घर पे पता नहीं बनाते कि नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट तो हम लोग पहले ही बना के फ्रिज में रख देते हैं, बाद में जब चाहिए तब यूज करते हैं. बट कुछ और ले लो, सपोज मुझे कुछ फ्रेशली बना के रखना है, तो मैं क्या, वो कुछ चीज ऐसी होती है जो हम लोग बना के नहीं रख सकते, जब चाहिए तब बना के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होएगा, खराब हो जाएगा. फॉरएवर हम वो चीजें नहीं रख सकते. जैसे किसी चीज में अगर नारियल होती है तो उसको हम लोग बहुत टाइम के लिए ऐसे नहीं रख सकते फ्रिज में स्टोर करके, खराब हो जाएगा. तो वैसे ही लॉजिक है, HCl जो है वो तुम बहुत टाइम के लिए रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, बट HBr वो हम स्टोर नहीं कर सकते. तो ऐसी चीजों को जब गरज रहता है तभी बनाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज इन सीटू. इन सीटू मतलब हम लोग जब रिएक्शन चालू करते हैं ना तभी इनका रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं. तो ये NaBr और H2SO4 जो है ना, ये दोनों रिएक्ट करके देते हैं इस HBr. तो जब मैं ये रिएक्शन कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, पहले इसमें अल्कोहल डालूंगी, अल्कोहल के बाद इसमें क्या डालूंगी, मैं NaBr डालूंगी एंड H2SO4 डालूंगी. फिर जब एक बार इनको डाल दिया तो इन दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारा HBr. फिर ये जो HBr है अल्कोहल के साथ ये वाला रिएक्शन कर देगा, और इसके लिए हमें थोड़ा हीटिंग करना पड़ेगा. तुम देखोगे बहुत जगह पे टेक्स्ट बुक पे ना ऐसे ट्रायंगल बनाया जाता है, दिस ट्रायंगल मींस हीटिंग. ओके तो तुम्हें हीट लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रायंगल बना दिए तो भी वही मीनिंग होता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है एकदम? लेकिन मैम हमें ये सब रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट वगैरह सब अलग से याद करना पड़ेगा ना? यस यस, फॉर एवरी रिएक्शन जो कैटलिस्ट है, जो टेम्परेचर है, वो याद रखना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज यूजिंग HI. ये भी सेम ही लॉजिक है. देखो OH है, यहाँ पे H है, पानी निकाल दो,
ये बन जाएगा आर आई और एच टू. बट लाइक योर एच बी आर, एच आई जो है उसको भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसे भी क्या करना पड़ता है, इन सीटू बनाना पड़ता है, जब चाहिए तभी बना के वापरो. तो कैसे बनाएंगे इसको, बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ एन ए आई एंड एच थ्री पी ओ फोर. सो एन ए आई प्लस एच थ्री पी ओ फोर विल गिव यू एच आई, फिर ये एच आई जो है इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके फिर ये अल्काइल हैलाइड बना देगा. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, दिस इज सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4 इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड. तो सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड से हमें मिलता है अल्काइल आयोडाइड. ओके,